आज अपन बिजी के अंदर सीखेंगे कि बिल बाय बिल डिटेल्स क्या होती है और ये ऑप्शंस किस काम आता है। तो देखिए, बिजी के अंदर एक ऑप्शन है बिल बाय बिल डिटेल्स। इसमें क्या होता है, फॉर एन एग्जाम्पल के लिए आपने ए नाम की पार्टी को कोई गुड्स पर से आपने गुड्स परचेज किया ए नाम की पार्टी से। अब आपने परचेज किया तो यदि आपका बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शंस ऑन है तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा, और जब आप पेमेंट करेंगे तो पेमेंट के समय ये पूछेगा बिजी कि जो आप पेमेंट कर रहे हैं वो क्या इस रेफरेंस के अगेंस्ट में कर रहे हैं जो रेफरेंस आपका परचेज के समय जनरेट हुआ था। तो यदि आप उस वो पेमेंट उस परचेज के अगेंस्ट में कर रहे हैं तो वो रेफरेंस नंबर आप सेलेक्ट कर लेंगे। इससे ये होता है कि आपको ये पता लग पाएगा कि इस परचेज के अगेंस्ट में हमने ये पेमेंट किया है। तो ये काम आता है बिल बाय बिल डिटेल्स का। ऐसे ही सेल्स के टाइम होता है, जैसे आपने कोई गुड सेल किया तो एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया यदि आपका बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शंस ऑन है। अब आप जब रिसीविंग के एंट्री पास करेंगे तो बिजी आपसे पूछेगा, वो रेफरेंस नंबर ये बता देगा आपको रिसीविंग के समय जो आपने सेल्स के समय जनरेट किया था, और ये पूछेगा कि क्या ये जो रिसीविंग की एंट्री क्या इस सेल्स के अगेंस्ट में। तो यदि यस है तो आप उस रेफरेंस नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे आप उस रेफरेंस नंबर को सेलेक्ट करेंगे तो सारी डिटेल्स डेट अमाउंट सब आ जाएगा, सेम ऐसे परचेस में भी आ जाएगा। तो यदि ऑप्शंस ऑन नहीं है तो आप इसको ऑन कर लीजिएगा। ये कैसे ऑन होता है ये आज अपन सीखते हैं, और उसके बाद इसको पूरा एक प्रैक्टिकली अपन सिनेरियो पास करते हैं। यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बिजी का, तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आप बिजी सीख सके। तो चलिए अपन अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन पर जाना है, आपको कॉन्फिगर पर जाना है, फीचर्स ऑप्शंस में आप जाएंगे, अकाउंट्स में जाएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा बिल बाय बिल डिटेल्स। इसको आपको सिंपली टिक कर देना है, ओके कर देना है, सेव कर देना है। ये आपका बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शंस ऑन हो गया। अब चलिए अपन एक परचेज की एंट्री पास कर लेते हैं। जैसे मैं एक परचेज की एंट्री पास कर लेता हूँ 8 नवंबर को, एक बिल नंबर ले लेते हैं, लोकली अपन परचेज कर रहे हैं। एक पार्टी अपन ऑल्ट F1 करके जनरेट कर लेते हैं, जैसे एक पार्टी बना लेते हैं मिस्टर जी। सन्ड्री क्रिएटर्स ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए मेंटेन बिल बाय बिल को ऑप्शंस को आपको यस रखना है, ये यस है। इसको अपन एक बार सेव कर लेते हैं, और मिस्टर जो जी हैं उनसे अपन ने सपोज करते हैं बिस्किट परचेज करें 100 पीस 70 रुपये से, और एंड में अपन GST लगा देंगे। तो टोटल बिल बन गया 8260 का। अब जैसे आप यहाँ पर सेव करने जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। वो रेफरेंस नंबर क्या आया है, जो आपका बिल नंबर है। अगर आप चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर चाहता हूँ 198 की जगह 19 ही रह जाए या 201 रह जाए, तो वो आप चेंज कर सकते हैं। लेकिन अभी अपन यहाँ पर रेफरेंस नंबर 198 रख देते हैं, इसको अपन सेव कर लेते हैं। अब इसके अपन एक पेमेंट की एंट्री पास कर लेते हैं। जैसे मैंने सपोज करता हूँ 10 नवंबर को इनको पेमेंट किया, तो जैसे ही मैं मिस्टर जी यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा तो नीचे देखिए बैलेंस भी आ रहा है 8260। मैंने 8260 लिया। अब यहाँ पर मेथड में अगर जितने भी रेफरेंसेस होंगे वो सारे आ जाएंगे। अभी यहाँ पर एक ही रेफरेंस आ रहा है एडजस्टमेंट में, तो वो आ गया। देखिए उसका रेफरेंस का नंबर भी आ गया, जो परचेज के समय जनरेट हुआ था, अमाउंट भी आ गया, डेट भी आ गया। तो ये पूछ रहा है कि क्या यही आपको सेट ऑफ करना है, इसी परचेज की एंट्री को आपको सेट ऑफ करना है, जिसी को आपको एडजस्ट करना है, सेट ऑफ करना है, तो आप इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर जैसे मैंने पेमेंट करा सपोज करते हैं करंट अकाउंट से, और ये F2 से मैंने सेव कर दिया। इस तरीके से ये काम हुआ रेफरेंस नंबर का और उसका सेट ऑफ का। अब सेम ऐसे अपन एक सेल्स की एंट्री भी पास कर लेते हैं। जैसे 12 नवंबर को अपन एक सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं लोकली। से एक पार्टी कोई भी ले लेते हैं, मिस्टर ए ले लेते हैं, इनको अपन ने बिस्किट सेल किए हैं 10, रेट लगा देंगे 80 रुपये से, और एंड में GST लगा देंगे। F2 से अपन सेव करेंगे तो देखिए यहाँ पर भी एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो गया है। इसको अपन F2 से सेव करेंगे। अब सपोज करते हैं इन्होंने अपने को 12 तारीख को ही पेमेंट कर दिया, तो एक रिसीविंग की एंट्री अपन जैसे ही पास करेंगे मिस्टर ए की, तो देखिए इनसे अपन 944 रुपये मांगते हैं। अब यहाँ पर भी वही एडजस्टमेंट आ जाएगा, जितने भी रेफरेंसेस होंगे वो सारे आ जाएंगे। रेफरेंस के जितने भी लेके आना है तो आप स्पेस बार से लेके आ सकते हैं।
तो ये पूछ रहा है कि जो ये सेल्स किया था आपने, जिसमें आपने रेफरेंस नंबर डाला था, अमाउंट था, क्या आप इसी को एडजस्ट करना चाह रहे हैं? अपन इसी को एडजस्ट करना चाह रहे हैं तो अपन इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ये एडजस्ट हो जाएगा। और अमाउंट सपोज करते हैं अपन ने कैश में लिया, कैश ले लेते हैं, F2 से अपन सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से काम होता है बिल बाय बिल डिटेल्स ऑप्शंस का। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।